नमस्कार दोस्तों, तुरुसली इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास आज ये क्लारियन का स्टीरियो आया है। ठीक है, इसमें जो है पेन ड्राइव लगाने का कोई सिस्टम नहीं है, यूएसबी नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक जैक पिन है, ऑक्स से इसको बजा सकते हैं। ऑक्स में से ऐसे इसको बजाने से पहले आपको जो है मोबाइल इसके सामने रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्लूटूथ इसमें लगाएंगे तो आपको मोबाइल जो है आपको पॉकेट में डाल डाल करके बजा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आज ब्लूटूथ लगाएंगे, देखते रहिए। और स्टीरियो का मॉडल नंबर, तो यहाँ पे इसका जो है मॉडल नंबर इसका हट गया है, कोई इसका मॉडल नंबर इधर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसमें जो है पीछे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, देखिए CZ100A। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है, ये जो है इंडिका CS में लग के आता है। ठीक है, तो इसको हम आज ब्लूटूथ लगाने वाले हैं, देखते रहिए। पहले जो है हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करके उसके बाद यहाँ पे रेगुलेटर सेक्शन लगाएंगे, उसके बाद ब्लूटूथ लगाएंगे। ठीक है, आप देखते रहिए और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो CD चेंजर है ये हम हटा लेते हैं। यहाँ पे एक बेल्ट लगा हुआ था, इसको भी हमने खोल लिया, तो ये CD चेंजर हम हटा देते हैं। तो पहले जो है हमको रेगुलेटर IC लगाना है, और रेगुलेटर IC, ये वाला रेगुलेटर IC हम इधर लगाएंगे। देखिए, AT5805। ठीक है, ये रेगुलेटर IC, यहाँ पे पहले हम रेगुलेटर IC को यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद स्विचिंग कनेक्शन करेंगे। ठीक है, आप देखते रहिए। तो पहले हम इस रेगुलेटर को जो है कहीं पे इसको लगा लेते हैं, इसको अच्छे से कस देना होगा। ये हमने देखिए यहाँ पे इसको लगा दिया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट का स्विचिंग कनेक्शन देंगे, उसके बाद इसमें जो है आउटपुट कनेक्शन हम करेंगे। तो पहले 12 वोल्ट का स्विचिंग कनेक्शन हम कर लेते हैं। इसका बड़ा हुआ हिस्सा जो है हमने काट दिया हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने सोल्डरिंग किया है। तो अभी ये कनेक्शन जो है हम उस साइड ले जाएंगे। यहाँ पे हम नेगेटिव कनेक्शन लगा देते हैं इसको। क्योंकि इसका जो ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड में से नेगेटिव ही होता है, हम यहाँ पे इसका ग्राउंड लगा देते हैं। ये ग्राउंड कनेक्शन हो गया, और यहाँ पे हम 12 वोल्ट का स्विचिंग वाला कनेक्शन देंगे। और आपको दिखाते हैं स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट आता है या नहीं। पहले इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं, और कैसे कनेक्शन किया आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आता है। देखिए किस तरह से 12 वोल्ट का कनेक्शन हो गया है। ठीक है, अभी इसमें हम फिर से इसको लाइन देके
ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम देखते हैं ये जो वोल्टेज है ये हमारा बराबर से निकल रहा है या नहीं। ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है, ये हमने इधर ग्राउंड कनेक्शन इसमें दे दिया। ये वाला ग्राउंड कनेक्शन है दोस्तों, यहाँ पे हमने ग्राउंड का कनेक्शन लगा दिया। और ये जो है दोनों पॉजिटिव का कनेक्शन है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ऑन करके सप्लाई देख लेते हैं। ऑन होने के बाद जो है 5 वोल्ट इसमें आता है या नहीं, ये हमने ऑन कर दिया है। ये देखिए ये ऑन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मोड हमने चेंज कर दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट हमने दे दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आता है या नहीं। तो पहले हमने एक ग्राउंड लगाना है यहाँ पर प्रॉप को, और जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई वोल्टेज इसमें नहीं है, ठीक है। जब भी हम इसमें पावर ऑन करते हैं तब इसमें वोल्टेज आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों वोल्टेज आ गया, देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और बंद करने के बाद यहाँ पर जब भी हम बंद कर देते हैं पहले हम इसको पावर स्विच बंद करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये वोल्टेज हमारा चला गया, फिर से ऑन करते हैं, देखिए वोल्टेज चला आया, ठीक है। ये रेगुलेटर कनेक्शन तो हमारा बन गया है, तो यहाँ से हम जो है ब्लूटूथ में कनेक्शन दे देंगे। तो पहले इसका ब्लूटूथ में कनेक्शन हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे सारा कनेक्शन वगैरह कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट राइट और जो है पीसी 5 वोल्ट और लेफ्ट राइट कनेक्शन ग्राउंड, ठीक है। तो ये कनेक्शन हम कर लेते हैं। पहले इसका जो वोल्टेज सप्लाई है वो वाला हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। पहले इसको बंद कर लेते हैं, इसको हम कहीं पे चिपका देंगे। दोस्तों देखिए हमने इस तरह से इसका 5 वोल्ट सप्लाई कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे हम जो बोर्ड है इसको चिपका लेते हैं पहले, उसके बाद आपको हम इसका साउंड भी सुनाएंगे। इसका ऑडियो, पहले इसका ऑडियो कनेक्शन हमको ढूंढ के निकालना होगा, क्योंकि ऑडियो कनेक्शन आपको दिखाते हैं कहाँ से देंगे। तो पहले इसको हम चिपका लेते हैं, क्योंकि चिपके नहीं चिपकेंगे तो मेज़र कर नहीं सकते। तो इस तरह से हमने इसको चिपका दिया हूँ, ये देखिए तो बढ़िया से चिपक गया है, हिलने वाला नहीं है। तो हम अभी उस साइड में इसका ऑडियो कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम इसका ग्राउंड का कनेक्शन करते हैं, ये हो गया। अभी इसमें लेफ्ट राइट का कनेक्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसका लेफ्ट राइट और ग्राउंड का कनेक्शन किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑक्स लाइन का जो कनेक्शन है, यहाँ पे ऑक्स का कनेक्शन है। यहाँ पे हमको चेक करके देखना होगा पहले ये ऑडियो ठीक से निकल रहा है या नहीं, हम इसमें चेक करके देखते हैं। यहाँ पे बोर्ड भी ही स्पीकर कनेक्शन करके दिखाते हैं, क्योंकि इसके साथ में जो सॉकेट आया है उस सॉकेट में हमको तार लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा करके, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है स्पीकर का, अब इसका साउंड सुनाते हैं आपको।
ठीक है। देखिए ये बढ़िया से फिटिंग हो गया है, तो इसका जो है बाकी सब कुछ हम फिटिंग कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।